नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज आपके जीवन को कंप्लीट किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, आज मैं कह रहा हूं कि प्रेम अगर एक तरफा है, अगर प्रेम चाहे वो पहले से तुम्हें पता है कि एक तरफा प्रेम है और चाहे तुम्हें बाद में पता चले कि एक तरफा प्रेम है, हर स्थिति में तुम्हारे जीवन में प्यार में तुम्हारी जीत कैसे संभव हो सकती है। अब देखो, प्यार को एक तरफा समझने के लिए जब कोई कहता है कि एक तरफा प्रेम, तो ये केवल वो उस प्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं जब सामने वाला तुम्हें प्रेम नहीं करता और तुम प्रेम कर रहे होते हो। एक तरफा प्रेम वो भी है जब सामने वाला तुम्हारे साथ छल कर रहा था। एक तरफा प्रेम वो भी है जब वादा खिलाफी होने लगी, इसका मतलब प्यार तो सिर्फ तुमने ही किया था। एक तरफा प्रेम वो भी है जब आपको छलावे में रखा गया, आपके साथ बड़ी बड़ी बातें की गई, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, फोन पे आपको ये लगता रहा कि वो हमारे लिए बहुत रोती है या बहुत रोती है। आपको नहीं पता कि फोन पर वो आवाजें रोने की निकाली जा रही हैं या सत्य में रोया जा रहा है। आप तो प्यार के वशीभूत हो तो आपको लगता तो सत्य में रोया जा रहा होगा। आज मैं कह रहा हूं 5 मोर पंख इस जगह रख देने से आपका एक तरफा प्यार पूरी तरह से आपका होगा। अब आपको करना यह है कि आपको 3 प्रकार के धागे लेने हैं, कोई भी 3 रंग हो सकते हैं, लाल पीला काला हो सकता है, गुलाबी बैंगनी बसंती हो सकता है, कोई भी कलर। उन 3 कलर के धागों से मोरपंख के पीछे वाले हिस्से को बांध लें। धागे की नाप कम से कम आपके एक हाथ होनी चाहिए, मिडिल फिंगर से कोनी तक, कम से कम, इससे ऊपर कितना भी रख सकते हैं। पीछे पूंछ की तरफ बांधना है जहां पर उसकी सुंदरता नहीं होती, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, बस उस जगह पे उसको लपेट देना है। 3ों को अलग अलग, यानी 3 गांठें बन जाएंगी आपकी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है, ये 3 देवता हैं, 3 काल हैं, 3 लोक हैं, 3 पहर हैं, ये बहुत कुछ है, उसको वैसे ही मानना। अब इसमें 3ों में हल्दी पहले लगाना और सिंदूर उसके ऊपर से लगाना। हल्दी की छाप थोड़ी बड़ी रखना, सिंदूर की छाप थोड़ी छोटी रखना, और बोलना कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा मंत्र बोल के अपने ही पेट के नीचे दबाकर रख लेना, बस उस पर सोते रहना। तुम्हें सिर्फ सोना है, तुम्हें सैया सुख विवाह के बाद जो मिलता है, विवाह के पश्चात जो तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारे संसर्ग होते हैं, तुम्हारे तुम्हारे जीवन में जो सुख मिलता है, वो तुम्हारे जीवन में पार्टनर आने का आगाज बनता है, जो उसके वेलकम करने की भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी, ऐसी कई सारी चीजों में चेंज आ जाएगा, करते ही बेनिफिट है। इसको हटाना मत कम से कम 2 हफ्ते तक, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते, नहीं हटा के कहीं टांग सकते। इसको किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ शनिवार छोड़कर, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। इसमें तुम्हारे इष्ट के प्रति भक्ति और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा की जरूरत होगी, गुरु का आदेश चाहिए होगा, इसमें पूरा श्रद्धा और विश्वास चाहिए होगी। खूब मन से, खूब आनंद से रहो, तुम्हारे जीवन में प्यार भरे, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम बेहतर रहो और अच्छे हो जाओ। खूब पानी पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनने की कोशिश करना, अच्छा रहने का प्रयत्न करना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।